गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए। आप लोगों का एमसीक्यू होने का था बट एमसीक्यू नहीं हो पाया है बिकॉज आपकी जब लाइव क्लास होगी तो मैं आपको दिल्ली सल्तनत का एमसीक्यू करवाऊंगी, है ना, क्योंकि लाइव में आप लोगों से पूछना ज़्यादा सही लगता है। ठीक, तो अभी उसको थोड़ा सा हम पेंडिंग कर लेते हैं और लेकिन हमें आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज जो है हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज नया चैप्टर पढ़ते हैं, हेडिंग डालो यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 डालो भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ठीक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अब ये भक्ति एवं सूफी आंदोलन क्या है, है ना, जैसे ही जो है हम लोग अभी तक हमने अरब का आक्रमण वगैरह पढ़ा है ना, तो जो आप लोग हमेशा कुछ पिक्चर्स में सुने होंगे, पिक्चर्स वगैरह में सुने होंगे, है ना, या आप ऐसा कुछ देख रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने क्या सुना देखा रहा होगा कि क्या बोलते हैं, किसी राजा महाराजाओं के दरबार में जो है वो कवि रहते हैं, है ना, संत रहते हैं जो अपनी रचनाएं करते हैं, है ना, तो उनके ही द्वारा क्या हुआ था कि एक ऐसा प्रचार प्रसार किया गया धर्म का, है ना, वो क्या हुआ, एक व्यापक रूप में जो है वो फैलना स्टार्ट हो गया था, है ना। तो वैसे ही जो है वो हम उसी से ही रिलेटेड हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, है ना, तो मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में धार्मिक जो है वो धार्मिक जीवन का, धार्मिक जीवन के क्षेत्र में, है ना, या धार्मिक के क्षेत्र में जो है वो एक नई जो है वो लहर आई थी मध्यकालीन के समय, है ना, धार्मिक के क्षेत्र में एक नया जो है वो चेतना, महत्वपूर्ण चेतना का विकास हुआ था, जिसका जो प्रेरणा है वो भक्ति के सिद्धांत पे ली गई थी, जिसका जो है प्रेरणा भक्ति के सिद्धांत पे ली गई थी। ठीक है, मध्यकालीन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मध्यकालीन के समय में धार्मिक, मध्यकालीन के समय में धार्मिक जो है वो, धार्मिक के क्षेत्र में जो है वो एक नई चेतना का विकास हुआ था, जिसे भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ था, ये कहाँ से लिया गया था, ये धार्मिक और सामाजिक, है ना, जो भी संत होते थे वो क्या करते थे, हमारे समाज में फैली हुई चीज़ों को या जो है वो हमारे आसपास की चीज़ों को, फैली हुई चीज़ों को देख कर, आँख कर, अपने अपने जो है वो मत का जो है वो प्रतिपादन किए थे। ठीक है, और इसी वजह से जो है वो हमारे जो उस जो आंदोलन को या उस काल को या उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, भक्ति आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन में नए नए संत आए। ठीक, तो हम पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति मतलब जो हिंदू धर्म से संबंधित होगा और सूफी मतलब जो मुस्लिम धर्म से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये दोनों संप्रदायों के जो संत ने अपने अपने मतों का प्रतिपादन किया, जिसकी वजह से जो है वो इनके धर्म को जो है वो लोगों तक पहुंचाना या समाज में उस धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो है वो तीन चरणों में, अभी फिलहाल हम भक्ति आंदोलन देखेंगे, सूफी आंदोलन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन लिख लेना, ठीक, जो डेफिनेशन बताई हूँ वो लिख लेना। ठीक, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। ठीक, पहले जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन भारत में धार्मिक जीवन के क्षेत्र में एक नई महत्वपूर्ण चेतना का विकास हुआ, जिसकी जो सिद्धांत है वो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से ली गई थी।
ठीक है, और इस तरह से जो है वो लोगों तक धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसमें अलग अलग संतों ने या सूफियों ने अपना अलग अलग मत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब जो है वो भक्ति आंदोलन जो है वो तीन चरणों में विकास हुआ था। भक्ति आंदोलन कितने चरणों में विकास हुआ? भक्ति आंदोलन जो है वो तीन चरणों में कंप्लीट हुआ था। ठीक, भक्ति आंदोलन जो है वो तीन चरणों में हुआ था। तीन चरणों में हुआ है ना। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण ये था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो है वो तीन चरणों में हुआ था। ठीक, पहला जो चरण था वो कौन सा था? धार्मिक था। ठीक, पहला चरण कौन सा था? धार्मिक था। ठीक, धार्मिक कैसे कि जो है पहले चरण में इसका स्वरूप मूलतः धार्मिक आंदोलन रहा है, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के सिद्धांतों को है ना, जो पहला जो चरण है धार्मिक आंदोलन है ना। तो पहला चरण क्या बोलता है कि पहला जो भक्ति आंदोलन का जो पहला चरण है वो पूर्णता जो है वो धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन कैसे कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों को है ना, हिंदू धर्म के सिद्धांतों को, मतलब जो भी उनके सिद्धांत होगा, जो भी उनका प्रिंसिपल होगा, ठीक है, तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को लोगों तक जो है वो पहुंचाना था है ना, या लोगों तक या जन साधारण तक लोकप्रिय बनाना था। ठीक है, तो पहला चरण क्या था? ये धार्मिक आंदोलन था। ठीक, कौन सा चरण था? ये धार्मिक आंदोलन था। मतलब क्या कि इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों को जो है वो लोगों तक या जन साधारण तक लोकप्रिय बनाना था। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सिद्धांत क्या था? दूसरा सिद्धांत जो था वो धर्म और समाज से जोड़ा गया, धर्म एवं समाज से जोड़ा गया। ठीक, धर्म एवं समाज मतलब भक्ति आंदोलन का जो दूसरा चरण आया है ना, उसको किससे जोड़ा गया? धर्म और समाज। पहला क्या था? सिर्फ समाज था है ना। दूसरा क्या हुआ? धर्म और समाज आया। मतलब कैसे कि धर्म तो ठीक है भाई, धर्म के अकॉर्डिंग जितने भी सिद्धांत हैं, लेकिन इस पे जो सबसे बड़ा जो चीज़ जो जहाँ पे अटक रही थी वो क्या अटक रही थी? जाति प्रथा है ना। धर्म का अपना सिद्धांत हो गया, आप लोग सभी जानते हो कि उस समय कैसे चल रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना। तो उस सिद्धांतों को ब्रेक करने के लिए एक चीज आई, जाति प्रथा, जो कि समाज की सबसे बड़ी जो है वो दुखदायी स्थिति कर देती थी। जाति प्रथा, सभी आप लोग इस चीज से आपको पता ही है ना, क्या होता था जाति प्रथा। ठीक, तो जो दूसरा सिद्धांत जो जोड़ा गया वो धर्म और समाज से जोड़ा गया, जिसमें जाति प्रथा की जटिलता को जो है वो जाति प्रथा की जटिलता का विरोध किया गया और ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी गई है ना। क्योंकि उस समय समाज जो है वो हमारा इस तरीके से अलग अलग समूहों में बटा हुआ था। ठीक, तो अलग अलग बटा हुआ था, तो उसका विरोध करने के लिए समाज से जोड़ा गया। समझ में आ रहा है ना? भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन धर्म से रिलेटेड लोगों तक पहुंचना प्लस समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए जो जो बड़े बड़े संत आगे आए हैं, हम उनके ही बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही भक्ति आंदोलन है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, तो जो जो संत क्या क्या लाए हैं और क्या क्या बुक्स लाए हैं वही हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला जो है वो धार्मिक से रिलेटेड था है ना, जितने भी सिद्धांत है वो धर्म से रिलेटेड थे। दूसरा आया समाज से रिलेटेड, मतलब धर्म और समाज से रिलेटेड। तीसरा जो आया वो क्या था? समन्वयवादी था। ठीक, भक्ति आंदोलन का तीसरा जो चरण था समन्वयवादी था। ठीक,
समन्वयवादी था, है ना। समन्वयवादी कैसे? अब समन्वयवादी ऐसा कि आप यहाँ पर मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है दोनों को आपस में जोड़ दोगे, तो ये आपका समन्वयवादी हो गया। समन्वय मतलब दोनों के विचारधाराओं को या फिर दोनों के जो परंपराओं है और सिद्धांतों को साथ में लेकर चला गया, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन तीन चरणों में पूरा हुआ। समझ में आया कि कुछ संत आए कि सिर्फ धर्म के बारे में बात करें, दूसरे चरणों में आए कि कुछ संत धर्म और समाज दोनों के बारे में बात करें, और कुछ संत ऐसे आए जो तीनों मतलब अलग धर्म को भी साथ में लेकर हमको चलना है, और अलग धर्म या मुस्लिम धर्म को भी साथ में लेकर हमको चलना है, ऐसे संत आए। तो भक्ति आंदोलन जो है वो हमारा तीन चरणों में कंप्लीट हुआ, ठीक है। समझ में आया, इसके चरण समझ में आए, धार्मिक आंदोलन, धर्म एवं समाज और समन्वयवादी। क्लियर हुआ भक्ति आंदोलन का उद्देश्य? समझ में आया कि ये किस लिए आया हुआ था या हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? समझ में आया, ठीक। अब आते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। उत्पत्ति कैसे हुई। तो भक्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म में, है ना, भक्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है ना, सभी जानते हैं, ठीक। लोग यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो हर लोग अपना कर ही रहे थे, ठीक। हिंदू धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए तीन चीज़ों को बताया गया है, है ना, कि अगर आप वो करेंगे तो आपको जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। तो हिंदू धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए तीन मार्गों को स्वीकार किया गया है। हिंदू में आत्मा की मुक्ति के लिए तीन जो है वो मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन सा मार्ग है? ज्ञान। पहला कौन सा मार्ग है? ज्ञान। दूसरा है कर्म। तीसरा है ज्ञान, कर्म और भक्ति, ठीक है। तीन जो है चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो आप जो है मतलब आप नहीं मतलब तीन चीज़ें बताई गई है, तीन मार्ग बताया गया है जिसमें जो है आत्मा की मुक्ति, जब इंसान मरता है तो आत्मा की मुक्ति या मोक्ष कैसे मिलता है, ये तीन चीज़ों के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फिर से कि अगर आपके अंदर ज्ञान है ना, ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक। और एक ज्ञानी व्यक्ति मतलब एक अच्छा अदूर अपने मतलब जो है आप जिस धर्म का आप उसको ज्ञान है ना, तो ज्ञान से ही जो है वो आत्मा की मुक्ति बताया है ना। दूसरा जो है वो कर्म, मतलब आप अच्छे कर्म करोगे, आपका कर्म अच्छा है तो आपका जो है वो आत्मा को मोक्ष मिलेगा। तीसरा है भक्ति। भक्ति मतलब क्या कि आप जो है वो ऊपर वाले से रात दिन प्रे कर रहे हो, रात दिन भगवान की भक्ति में लीन हो तो आपकी आत्मा को मुक्ति होगा। तो इस तरीके से अलग अलग संतों ने जो है वो अलग अलग अपने मत के द्वारा जो है इस चीज को बताया है, ठीक है। समझ में आया कि उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। और उसके बाद पूर्व मध्यकालन में काल में इस सिद्धांत का एक व्यापक आंदोलन विस्तृत करने का, पूर्व मध्यकाल में इस आंदोलन को व्यापक रूप से विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य जी को। आदि शंकराचार्य जी का नाम सुने हो? आदि शंकराचार्य को, ठीक, शंकराचार्य जी को जाता है, ठीक, जो पूर्व मध्यकाल में जो है इनके ही द्वारा जो है वो जो भक्ति आंदोलन चालू किया गया था। अब ये थे कौन और ये मतलब हुआ कैसे, ठीक है, चलो जानते हैं। आप इधर आओगे मैम कि मैं हटा दूं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो
जो पूर्व मध्य काल में है ना, पूर्व मध्य काल में भक्ति आंदोलन को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? श्रेय किसको जाता है? आदि शंकराचार्य जी को। ठीक, आदि शंकराचार्य जी को, जिसने क्या किया था? अद्वैतवाद का मत दिया था। ठीक, अद्वैतवाद का मत दिया था। अब ये अद्वैतवाद क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक जनरेशन में या हर एक समय में अलग अलग संतों ने अलग अलग धर्म की परिभाषा रखी है ना, उस धर्म के अलावा समाज की परिभाषा रखी। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो आपके संत आते गए। तो फिलहाल जो है ये जानो, ठीक है, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का मत रखा। दक्षिण भारत में है ना, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को विकसित करने का श्रेय अलवार और नैनार को जाता है ना। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? अलवार अलवार और नैनार नैनार। ठीक, अब ये अलवार और नैनार क्या है? अलवार वो जो कृष्ण भक्त है, ठीक, कृष्ण भक्त है, और नैनार मतलब वो जो शिव भक्त है। ठीक, तो दक्षिण भारत में इन लोगों की वजह से ही जो है वो भक्ति आंदोलन फैला था। ठीक, इसके अलावा जो है अब आते हैं आदि शंकराचार्य जी का। आदि शंकराचार्य जी ने क्या बोला है? अद्वैतवाद का मत दिया है। अद्वैतवाद मतलब क्या? अद्वैतवाद मतलब वो होता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब इनका मत क्या था? अद्वैतवाद मतलब क्या था? अद्वैतवाद करके डैश करके लिखना। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इनका मत ये था कि जो आत्मा है वो ऊपर जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक, आत्मा और परमात्मा जो है वो एक हो जाता है, तब उसकी आत्मा को क्या मिलता है? तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, मतलब आत्मा प्लस परमात्मा मिलते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, आत्मा परमात्मा जब आपस में मिलते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना भी मैं बोल रही हूँ नोट्स आप लोग बना लेना, ठीक है। आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शंकराचार्य जी का मत क्या था? शंकराचार्य जी का मत था अद्वैतवाद। ठीक, शंकराचार्य जी का मत क्या था? अद्वैतवाद। अब आते हैं, ये तो शंकराचार्य जी कब के थे? पूर्व मध्य काल के। अब आते हैं मध्य काल के, ठीक है। मध्यकाल में कौन थे? मध्यकालीन में थे रामानुजाचार्य, ये भी संत थे। ठीक, रामानुजाचार्य जो थे वो क्या थे? सगुण भक्ति वाले थे। सगुण भक्ति मतलब क्या? सगुण भक्ति मतलब सगुण और निर्गुण जानते होगे, है ना। सगुण भक्ति मतलब ऐसे संत या ऐसे लोग जो कि ईश्वर का कोई, मतलब सगुण का मतलब होता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, है ना। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, सगुण भक्ति वाले ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। लेकिन निर्गुण भक्ति वाले मानते हैं कि ईश्वर का एक स्वरूप होता है, उसके भी हाथ पैर होते हैं, रूप रंग होता है। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग मत के अलग अलग संत थे। तो जो रामानुजाचार्य थे वो क्या थे? सगुण भक्ति वाले थे। ठीक, जिनके अनुसार क्या होता था? ये जो है ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ठीक,
तो और जो है वो पूजनीय है, ठीक। इनके अलावा इन्होंने क्या बताया था, इनका मत क्या था, इनका दर्शन क्या था, मत क्या था, मत लिखना, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब क्या होता है, समझ लो, विशिष्ट अद्वैतवाद। इनका दर्शन लिखना, दर्शन कैसे लिखोगे, क्या होता है, इन्होंने क्या मत दिया था। पहले शंकराचार्य जी ने क्या किया था कि जब आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो रामानुजाचार्य जी ने ये मत दिया था कि जीव और जगत, है ना, विशिष्ट अद्वैतवाद बताए थे कि जीव और जगत दोनों ही वास्तविक है, जीव और जगत दोनों ही वास्तविक है, रियल है। मतलब क्या, जीव मतलब आत्मा और जगत मतलब जो भौतिक पदार्थ है और विश्व में जितने भी चीजें हैं, है ना, वो सब क्या है, वास्तविक है, ठीक। जीव और जगत दोनों वास्तविक है और ईश्वर जो है आंतरिक है, मतलब ईश्वर जो है हमारे अंदर बसे हैं, और क्या है, और शेष जो है उन सब पर निर्भर है, मतलब शेष जो है उस पर निर्भर है, शेष जो है उस पर निर्भर है, ठीक। तो इनका मत क्या था कि हमको आत्मा परमात्मा मिलेंगे तभी नहीं, परमात्मा हमारे ही अंदर है, ठीक। रामानुजाचार्य जी ने क्या बोला कि परमात्मा जो है वो हमारे ही अंदर है, ठीक। मतलब क्या कि जीव और जगत लिखने के लिए क्या बोलोगे, जीव प्लस जगत जो है वो दोनों ही क्या है, इसको लिख ही देती हूँ मैं, ठीक। जीव मतलब आत्मा, ठीक, प्लस जगत, जीव और जगत जो है, जगत क्या, भौतिक पदार्थ, प्लस विश्व में जितने भी चीजें हैं, है ना, जीव और जगत दोनों वास्तविक हैं, दोनों वास्तविक हैं, ईश्वर आंतरिक है, ईश्वर आंतरिक है, आंतरिक है, ठीक। और जितना भी शेष है, शेष उस पर निर्भर है, ठीक है। मतलब हमको मरने के बाद ही नहीं, ईश्वर हमारे ही अंदर बसते हैं, पहले से ही वो हमारे अंदर है। तो इस तरीके से अलग अलग संतों ने अलग अलग जो है वो अपने मत का प्रतिपादन किया, समझ में आया, ठीक है। और इन्होंने शूद्रों के लिए, शूद्र जो थे, है ना, शूद्रों के लिए परपथी मार्ग बताया है। परपथी मार्ग मतलब क्या कि आप जो परमात्मा के सामने जो है वो स्वयं को समर्पित कर देना मोक्ष के लिए, है ना, परमात्मा के सामने स्वयं को समर्पित कर देना। और इनकी जो बुक है, बुक का नाम लिख लो, है ना, इनकी जो पुस्तक है रामानुजाचार्य की पुस्तक कौन कौन सी है वो लिख लो, रामानुजाचार्य की है श्री भाष्य और गीता भाष्य, ठीक है, श्री भाष्य और गीता भाष्य, श्री भाष्य और गीता भाष्य, ठीक, ये उनके पुस्तक का नाम है, ठीक। तो पूर्व मध्य काल के जो थे, जो पूर्व मध्य काल के कौन थे, शंकराचार्य जी थे, ठीक। मध्य काल में कौन आए, रामानुजाचार्य जी आए, ठीक, रामानुजाचार्य जी आए। और रामानुजाचार्य जी जो थे वो क्या थे, सगुण भक्ति वाले थे, और शंकराचार्य जी क्या थे, निर्गुण और ज्ञान मार्गी थे, ठीक। और रामानुजाचार्य जी को क्या बोला जाता है, मध्यकालीन का अग्रदूत भी कहा जाता है, रामानुजाचार्य को मध्यकालीन का अग्रदूत भी कहा जाता है, हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको लिख लो, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा बोर लगेगा बट चीजें समझ में आना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक। तो
शंकराचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य जी हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के पहले थे रामानुजाचार्य जी, दूसरा लिखना माधवाचार्य जी, माधवाचार्य। माधवाचार्य, अब इन्होंने क्या बोला, माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी ने क्या बताया, माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, द्वैतवाद, वो अद्वैत था, ये द्वैतवाद था, द्वैतवाद का मत प्रतिपादन किया, ठीक है, द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। अब ये द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद मतलब होता है, द्वैतवाद मतलब होता है जहां पर आत्मा, आत्मा प्लस परमात्मा क्या है, दोनों अलग हैं, दोनों अलग है और दोनों का मिलना असंभव है, दोनों का मिलना असंभव है, ठीक, समझ में आया। मतलब द्वैतवाद मतलब क्या होता है कि जहां पर आत्मा, मतलब माधवाचार्य जी ने ये बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग चीज है, भाई कि ऊपर वाला ऊपर बैठा है लेकिन जो है वो हम मर के उनपे विलीन नहीं होंगे, हम उनपे समाएंगे नहीं, हम उनके पास भले चले जाएंगे लेकिन हम दोनों जो है वो, दोनों की आत्मा अलग है और दोनों का मिलना जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। तो माधवाचार्य जी का ये जो है वो ये था, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, लिखो तीसरा, लिखो निम्बकाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, निम्बका, निम्बकाचार्य। अब ये निम्बकाचार्य जी ने क्या बोला, निम्बकाचार्य जी ने बोला द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद मतलब क्या कि जिसमें अद्वैत भी हो, जिसमें अद्वैत भी हो, अद्वैतवाद भी हो और द्वैतवाद भी हो, उसको क्या बोलते हैं, द्वैता द्वैतवाद, है ना। द्वैता द्वैतवाद क्या होता है, जिसमें क्या बोल रहे हैं, इनका भी मत देख लो, द्वैता द्वैतवाद क्या होता है कि ईश्वर ने स्वयं को जीव एवं जगत के रूप में रूपांतरित किया है, ईश्वर ने जीव एवं जगत को, जीव एवं जगत को, ईश्वर ने स्वयं को जीव एवं जगत के रूप में रूपांतरित किया है जो कि वास्तविक है, मतलब क्या कि ईश्वर सभी में बसते हैं, है ना, और ईश्वर और ईश्वर से अलग है, ठीक, लेकिन आत्मा जीव एवं जगत अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं, ठीक, मतलब क्या कि ईश्वर जो है वो जीव एवं जगत के रूप में रूपांतरित है, मतलब सभी के अंदर जो है वो ईश्वर जो है वो बसते हैं, ठीक, जो कि वास्तविक है लेकिन ईश्वर से अलग है, जो कि ईश्वर से अलग है, हम सब में ईश्वर है लेकिन ईश्वर अलग भी है, उनका खुद का भी एक है वास्तविकता, है ना, इसके अलावा लेकिन आत्मा जीव एवं जगत अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका निम्बकाचार्य जी, मतलब दोनों को मिलाते हैं, वो उन्होंने क्या बोला कि आत्मा, मतलब अद्वैतवाद मतलब क्या कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, द्वैतवाद क्या कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज हैं, तो द्वैता द्वैतवाद क्या बोले कि ईश्वर तो खुद जो है वो जीव के अंदर है लेकिन मरने के बाद भी वो आपस में जाके मिलेंगे नहीं, समझ में आया, है ना, ईश्वर खुद हमारे अंदर है और जो है वो ऊपर में जाके हम दोनों विलीन नहीं होंगे, समझ में आया। ये था आपका जो है वो द्वैता द्वैतवाद, ठीक।
तो इनका दर्शन करके जो मैं अभी भाषण बोली उसको जो है वो आप लोग लिख लेना, ठीक ठीक है। अब आते हैं आगे, दक्कन में भक्ति आंदोलन। दक्कन में भक्ति आंदोलन, दक्कन में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में हुए भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र धर्म की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में कितने आए थे? महाराष्ट्र में पांच जो है वो पांच संत आए थे, ठीक। पांच संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जो है वो विकसित किया था, ठीक। तो पहले नंबर में लिखो, एक मिनट, ठीक। तो पहला लिखो संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी कौन थे? संत ज्ञानेश्वर जी ने भावार्थ दीपिका ग्रंथ की रचना की है। भावार्थ गीतिका धर्म की रचना की है जो कि भगवद गीता पर टीका है, ठीक है। इनके श्लोकों को अभंग नाम से जाना जाता है। तो इनकी ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ लिखना, डैश करके लिखना, भावार्थ गीतिका, सॉरी भावार्थ गीता, गीतिका है, सॉरी भावार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका, जो कि भगवद गीता पर टीका है। भावार्थ दीपिका ग्रंथ है ये, ठीक है, जो कि भगवद गीता पर टीका है, ठीक। और श्लोकों को किस नाम से जाना जाता है? श्लोकों को अभंग, अभंग के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये थे संत ज्ञानेश्वर जी का, उनके जो फेमस फेमस जो है वो बुक है वो अब जो है वो हम लोग लाइन से लिखते जाएंगे। तो संत ज्ञानेश्वर जी की क्या है? भावार्थ गीतिका। दूसरा नंबर डाल के लिखो नामदेव, नामदेव, नामदेव संत थे, ठीक। नामदेव, नामदेव ये दर्जी थे और जातिवाद और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, ठीक है। जातिवाद, मूर्ति पूजा और धर्म कर्म कांड के जो है वो कट्टर विरोधी थे। इनकी शिक्षाएं है ना, इनकी शिक्षाएं, इनकी शिक्षाएं, इनकी शिक्षाएं आदि ग्रंथ में संकलित है, आदि ग्रंथ में संकलित है, ठीक। नामदेव जो है वो जाति प्रथा और धर्म कर्म कांड के विरुद्ध थे। इनकी जो जो शिक्षाएं है वो आदि ग्रंथ में संकलित है, ठीक। नेक्स्ट लिखो एक नाथ, एक नाथ, एक नाथ, एक नाथ, एक नाथ, एक नाथ, इनकी रचना लिखो भावार्थ नारायण, भावार्थ नारायण, ठीक। भावार्थ नारायण इनकी ग्रंथ का नाम है, भावार्थ नारायण, ठीक। भावार्थ नारायण इनके मराठी भवन आज भी गाए जाते हैं, ठीक। भावार्थ नारायण, ठीक है। तीसरा लिखो तुकाराम, तुकाराम। चौथा लिखो, सॉरी तीसरा बोल रही थी, फोर्थ लिखो तुकाराम, तुकाराम लिख लिए क्या? इनका लिखो कि ये जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, ठीक। और इनकी शिक्षाएं जो है,
अभंग में संकलित है, अभंग में संकलित है। ठीक, फिफ्थ लिखो, फिफ्थ लिखो रामदास। रामदास, रामदास ये शिवाजी, शिवाजी महाराज है ना, शिवाजी महाराज के गुरु थे, शिवाजी महाराज के गुरु थे। ठीक, और इनका जो ग्रंथ है वो है दास बोध। दास बोध की रचना किसने की थी? रामदास जी ने। ठीक, दास बोध, ठीक, दास बोध। इस तरीके से जो है वो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का जो संत थे उन्होंने अलग अलग ग्रंथ की रचनाएं की, अपने मत का प्रयोग किया और जो है वो हिंदू धर्म का जन साधारण में लोकप्रिय किया। ठीक है, अब महाराष्ट्र में दो संप्रदायों का विकास होता गया। ठीक है, एक को बोला गया बरकरी संप्रदाय और दूसरे को बोला गया धरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय मतलब क्या? बरकरी मीन्स क्या? जो विष्णु के उपासक थे। बरकरी संप्रदाय मतलब क्या? जो विष्णु के उपासक थे। और धरकरी संप्रदाय मतलब क्या? जो राम जी के उपासक थे। ठीक है, राम के उपासक थे। तो उसके बाद जो है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि जो है वो संत वालों का है, बोर ना हो जाओ आप लोग। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, जो है वो नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर कोई डाउट होता है तो फिर से पूछ लेना मुझसे। ठीक, चलो बाय।